डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव. आई एम ए सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट एट संत परमानंद हॉस्पिटल एंड आई हैव माई ओन ऑर्थोपेडिक क्लिनिक एट जागृति एनक्लेव बाय द नेम ऑफ प्राइम स्पेशलिटी क्लिनिक. नाउ डिफॉर्मिटी करेक्शन इज अ मेजर पार्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी. पैरों का टेढ़ापन, हाथ में टेढ़ापन, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और हम ऑर्थोपेडिक सर्जन इसको सीधा करते हैं. कई बार इसमें दवाइयों या प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है और कई बार इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है. बच्चों में अक्सर पैरों में टेढ़ापन पाया जाता है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है. रिकेट्स एक कंडीशन है जिसमें पैरों की हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, जिससे खुद के भार से हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं. ये मेरी भांजी और आसिया मिर्जा, इनके नॉक नीज की प्रॉब्लम थी. हमने इनको बचपन में देखा कि थोड़े से लेग्स में इनकी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी सर्जरी के लिए हम आपके पास आए थे यहाँ पे 3 महीने पहले. तो फिर आपने इसका आए तो पहले थे, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से 3 महीने पहले इनकी सर्जरी फिर आपने करी थी दोनों लेग्स की एक साथ, और अब हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए. हमने जो जिस तरह आपने ट्रीटमेंट बताया, जिस तरह केयर करी, वो सब हमने आपके तरीके से ही कराया और आज हमारा फाइनल आपके विजिट था, बिल्कुल परफेक्ट हो गए. आपके बहुत अच्छा रहा सर. हमने आपको सर्च करा था ऑनलाइन, इसीलिए हम आपके पास पहुंचे और बहुत अच्छे डॉक्टर आपसे रहा मामला हमारा. सो एज यू सॉ इन दिस केस, दिस गर्ल वॉज हैविंग लॉट ऑफ डिफॉर्मिटी. And in fact, she was a quite a big girl, because normally we treat these patients when they are only 10-12 years of age and then it's quite easy. लेकिन इस उम्र में भी जब एज बढ़ जाती है, जब ऑलमोस्ट एडल्ट हो जाते हैं, तब भी इस डिफॉर्मिटी को अच्छे से ठीक किया जा सकता है और जिसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं. हम इसमें एक छोटी सी सर्जरी करते हैं. हम जानते हैं कि ये डिफॉर्मिटी करेक्शन जो है एक तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी है, क्योंकि पेशेंट चल फिर पा रहा है, दर्द नहीं है, लेकिन आप पैर सीधा करना चाहते हैं. सो ये सर्जरी भी हम इस तरह से करते हैं ताकि इसमें कम से कम निशान हो. बहुत ही छोटे से कट से सर्जरी हो जाती है और 2-3 महीने में पेशेंट का चलना फिरना और नॉर्मल एक्टिविटीज सारी शुरू हो जाती है.